स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ये सब हमने चर्चा कर ली है पहले कि इसमें 6 अध्याय हैं। एक बार और ओवन भी देख लेते हैं। 6 अध्याय जिसमें पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित, इसकी आज चर्चा करेंगे। पिंड संवित या पिंड ज्ञान, पिंड आधार, पिंड पद समरस भाव और नित्य अवधूत योगी के लक्षण है श्री नित्य अवधूत योगी। तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, इसको आपको देख लेना है कि प्रथम अध्याय में क्या कंटेंट है, द्वितीय में क्या चीज है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है, पंचम में क्या है, छठम में क्या है। क्वेश्चन जो है अंदर से ही पूछ लिया, मतलब बाहर से ही आता है, बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि किस अध्याय में क्या चीज की चर्चा की गई है। तो इसमें पहले पिंड उत्पत्ति में अनामा शक्ति, गजा शक्ति, परा अपरा, सूक्ष्म कुंडली शक्ति की चर्चा की है। फिर आदिपिंड, अनादिपिंड, आदिपिंड, और फिर आदिपिंड, फिर महासागर पिंड इत्यादि की सबसे की चर्चा की, शक्ति पंचांग है ना, और अंतःकरण पंचांग, कुल पंचांग, प्रत्यक्षीकरण पंचांग, इन सब की चर्चा की। नाड़ियां, नाड़ियां 10 नाड़ियां और उनके स्थान, इसमें 10 नाड़ियों की चर्चा है ना, 10 प्राण उसके स्थान। इसमें जो डिफरेंट था वो आपके धनंजय प्राण में, आपके नाग वायु में, और आपके ये अपान प्राण में, इनका विशेषकर याद रखना है, बाकी सबके सब वही रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, यहाँ पर जो गर्भ में शिशु की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, वो यहाँ पर 9 9 जो मास है उनमें प्रथम दिन से लेकर 9 महीने तक क्या किसी चीजें शरीर में उस व्यक्ति की बनती है, वो चीजों का इसमें अध्ययन किया गया है ना, बताया गया है। फिर इसमें जो शिशु के शरीर में धातुओं का भार कितना कितना होता है, वो भी इसमें चर्चा की गई है। ये हमने पहले अध्याय में देखा। दूसरे अध्याय में कल जो चर्चा की थी वो पिंड विचार, दूसरे अध्याय का नाम पिंड विचार। तो पिंड विचार में 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष, 5 व्योम और अष्टांग योग का वर्णन है। तो ये 9 चक्र थे, 9 चक्र का वर्णन आपके उसमें भी है, योगराज उपनिषद में सेम एस टी जो है वो यहाँ पर है ना। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, चक्र का क्रम, जैसे मूलाधार चक्र है तो इसको मूलकंद, मूलाधार ब्रह्म चक्र कहते हैं है ना, यहाँ पर ब्रह्म चक्र पा गई, उसका स्थान गदा है, पीठ उसमें कामरूप पीठ है। तो यही याद रखना है, फल क्या होता है ना, उदीयमान, ये चारों पीठ आपको याद होना चाहिए। स्वाधिष्ठान जो है वो उदीयान पीठ है, उदीयान पीठ, और जालंधर पीठ निर्वाण चक्र या ब्रह्मचंद्र की है, और आकाश चक्र की पूर्ण गिरी पीठ है जो सबसे ऊपर है। वो स्थित कहाँ है, पीठ कौन सी है और उसका स्थान क्या है और ध्यान कहाँ पे कर, तो ये चीजें याद रखनी है। दूसरा, हमने 16 आधार की चर्चा की गई थी, 16 आधार पैर के अंगूठे से लेकर आपके द्रव्य आकाश चक्र तक जाता है, तो उनका स्थान और उनके ऊपर ध्यान करने से क्या लाभ होगा, वो चीजों की यहाँ पर चर्चा की गई थी। इनको आपको पढ़ना है, याद करना है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, पहले आप पढ़ चुके हैं। जैसे हृदय प्राण में रहता है तो प्राण को स्थिर करना, हृदय कमल विकसित होता है, तो इसमें कोई विशेष चीज नहीं की गई है, जहाँ पे कोई विशेष बात बताई गई है, जैसे कि कंठ चक्र है उसमें क्या करना है, ईड़ा पुंगड़ा नाड़ियों में का प्रवाह स्थिर हो जाता है और कंठ के मूल में छुट्टी से बंद करना है, इसका ऐसा ध्यान करना है। कहीं पे कहा गया है कि सुषुम्ना का ध्यान करना है, कहीं पे कहा गया है तेजस्वी होता है, तो वो आपको जो प्रमुख चीज दी गई है ना, वो चीज याद रखनी है। 3 लक्ष्य है इसमें, अंत लक्ष्य, वैर लक्ष्य और मध्य लक्ष्य, इनकी चर्चा हमने कर ली थी। और ये 5 व्योम है जिसको व्योम पंचक कहते हैं, इसका अपम तस भी याद कर रख सकते हैं, अपम तस है ना, आ प म तस है, इस प्रकार से भी याद रखते हैं। 100 ट्रैक में इसको भी, आकाश पर महान तत्व सूर्य है, ऐसे भी आप याद कर लीजिए, इसका क्रम पूछ सकते हैं। फिर हमने अष्टांग योग की चर्चा की थी, तो इसमें यम नियम है ना, यम में बताई थी कि मन की शांति, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय निग्रह है ना इत्यादि, और मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, नियम जो है एकांतवास, संगति से दूर रहना, उदासीन, जो जितना मिले उसमें पूर्ण रहना है ना, सभी के प्रति बैराग, राग का भाव हो जाना या बैराग अपना लेना, तो ये सब बताया। 3 आसन, प्राणायाम 4, प्रत्याहार 1 ही है, उसका स्वरूप क्या है वो आपको याद कर लेना, तो ये सब चर्चा की थी हमने, क्वेश्चन आंसरिंग भी देख लिए थे। अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे तृतीय अध्याय,
मेरी आवाज आ रही है? आप सब लोग हैं यहाँ पर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं तृतीय अध्याय, जिसका नाम है पिंड संहिता या पिंड ज्ञान। तो पिंड के रहस्यों को जानने वाला जो अध्याय है वो है पिंड ज्ञान। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें देखिए, पिंड मतलब कहा जाता है ना, यथा पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत्पिंडे यथा पिंडे। तो जो कुछ शरीर में है वो इस पूरे संसार में है, और जो संसार में है वो इस शरीर में है। तो इसी प्रकार ये आपका शरीर क्या है, एक प्रकार से पिंड है, और ये संसार भी पिंड है। तो शरीर रूपी पिंड में क्या क्या चीजें हैं, उसका ज्ञान कैसे, यहाँ पर क्या क्या चीज की तुलना बाहर की वस्तुओं से लेकर की गई है ना, तो वो चीजें हैं। तो सात पाताल है शरीर में कहाँ स्थित है उनकी चर्चा करेंगे। 21 ब्राह्मण, 4 वर्ण, 7 दीप, 7 समुद्र, 8 पर्वत, 9 खंड, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, और 9 ग्रह, और 15 जो है तिथियां, इसकी चर्चा की गई है पिंड ज्ञान में, पिंड संबित में। ठीक, तो क्या चीज बताई गई है यहाँ पर, एक मिनट हम जो है अपना नोट्स भी आपको शेयर करते हैं। ये मेरा नोट्स है, इससे आप देख सकते हैं कि नोट्स को किस प्रकार से बनाना है ना, चीजें बिल्कुल स्पष्ट रखते हुए आपको जाना। तो तृतीय अध्याय की चर्चा करते हैं। ठीक, मेरी स्लाइड से हो रही है ना, तृतीय उपदेश लिखा हुआ है पिंड संबित या ज्ञान। यस सर, यस सर। अब देखिए, पिंड संबित है क्या, है ना, पिंड संबित या पिंड ज्ञान है क्या, तो इसमें उसकी वो की गई है, क्या परिभाषा दी गई है कि जो चर और अचर, मतलब जो विराजमान है और जो विराजमान नहीं है, है ना, जो आप देख पा रहे हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, उन दोनों को जान लेता है। जो चर और अचर जान लेता है वही पिंड संबित या व्यष्टि और समष्टि ज्ञानी कहलाता है ना, कि जो चर अचर जो सृष्टि में है, जो व्यष्टि में, जो शरीर में है वो शरीर के बाहर भी है, और जो शरीर के बाहर है वो अंदर भी है। जो चर है अचर है दोनों चीज को जान लेता है वही क्या कहलाता है, पिंड ज्ञान कहलाता है ना। विश्व रूप परमात्मा अखंड स्वभाव से घटघट में चित्र रूप व्याप्त है, यही क्या है, पिंड संबित है। मतलब जो विश्व रूप है ना, विश्व का जो स्वरूप है उसमें परमात्मा अखंड स्वभाव में घटघट रूप में व्याप्त है, यही क्या है, पिंड पिंड है, पिंड 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 संबित है या पिंड ज्ञान है। क्या क्या, पिंड मध्य चराचरम यो यो जानाति सा योगी पिंड संबित भवति, है ना। पिंड 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 क्या है, पिंड संबित क्या है, तो वही है कि चराचर को जान लेना, चराचर को जान लेना, तो वही क्या है, पिंड ज्ञान है। इसमें 21 ब्राह्मण, 7 पाताल, और 21 ब्राह्मण में क्या, ब्रह्मांड में क्या क्या है, तो इसमें 21 ब्राह्मण में क्या है, 7 पाताल है और 14 लोक है, दोनों से मिलकर 21 ब्राह्मण ब्राह्मण बनते हैं। ठीक है, 7 पातालों का आधार कूर्म है, 7 पाताल जो है उसका आधार कूर्म है, और जो कि पैर के तलवे में स्थित है। ठीक, पैर के तलवे में स्थित है, जैसे आपने कभी मर्म पढ़ा होगा तो पैर के बीच तलवे में आपका क्या है, तल हृदय मर्म है, तो वही क्या है, कूर्म कहा गया उसको। तो 7 पातालों का आधार कूर्म है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने डायरेक्ट की सत्य सिद्धांत पद्धति के अनुसार 7 पातालों का आधार क्या है, है ना, 7 पातालों का आधार है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, कूर्म है ना। कूर्म एक प्रकार का स्थान है जो आपके पैर के तलवे के बीच में है, और 7 पातालों का जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान देवता है वो है रुद्र। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि 7 पातालों का जो देवता है वो रुद्र है, और क्रोध रूप भाव एवं कालाग्नि भी रुद्र है। ठीक है, तो 7 पाताल क्या क्या है, यहाँ पर और अच्छे से दिए गए हैं। 7 पाताल देखिए, पाताल पाताल तलातल महातल रसातल सुतल वितल और अतल, इस प्रकार से ये 7 जो है वो क्या है, पाताल है। पाताल तलातल महातल रसातल सुतल वितल और अतल। अब ये चीज है
यही यहाँ पर लिखी गई है। तलातल, पातल, तलातल, महातल, रसातल और सुतल, वितल और अतल। अब इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई थी इसको याद करने के लिए। अब ये चीजें आपके शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है, ये तो है पातल है, तलातल है, महातल है, लेकिन ये शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है? तो पातल जो है पैर के अंगूठे में है ना, पैर के अंगूठे में। ये सात पातल और अंग स्थान बताए आपके शरीर में कहाँ पर स्थित है। समझ में आ रही है चीजें? पिंड, पिंड ज्ञान, पिंड संबित, ठीक। तो जो आपके पूरे ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में भी है। तो पाताल जैसे है तो आपके शरीर में क्या है? तो पाताल की तुलना कहाँ पे की गई है? आपके शरीर में, पैर के अंगूठे में। आवाज तो आ रही है मेरी, आप लोग हैं यहाँ पर? यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रही चीजें? यस सर, यस सर, ओके। तो पाताल है पैर के अंगूठे में, और फिर पूछते हैं फिर दूसरा है तलातल। तो पैर के अंगूठे के अग्रभाग में तलातल है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन की सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार पैर के अंगूठे के अग्रभाग में कौन सा जो है ताल वो स्थित है ना, पाताल कौन सा स्थित है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसा है? तलातल। फिर आता है महातल। महातल क्या है? पाद पृष्ठ में है ना, पाद पृष्ठ में। पाद मतलब पैर, पैर के पीछे पीछे वाले भाग में महातल। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ये भी आप पतमर सुविया, पतमर सुविया है ना, इस प्रकार से पा से पाताल, ता से तलातल, मा से महातल, रा से रसातल, सा से सुतल, बा से वितल और आ से अतल है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ट्रिक याद रखना है। आप अपने अनुसार भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, ये मैंने अपने अनुसार बनाई गई थी, तो आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं। पतमर सुबिया, हाँ। तो अब महातल आपके पाद पृष्ठ में हो गया, फिर रसातल हो गया आपके टखने में, टखना, टखना समझते हैं आप, ठीक है। फिर आता है सुतल, सुतल होती है जंगा में है ना, सुतल जंगा में। फिर बितल आपके जानू यानी घुटने में, और अतल होता है आपके उरु में। तो ये जो सात पाताल, सात लोक थे है ना, सात सात लोक थे, तो उनकी उनकी जो चर्चा, उनकी जो तुलना है, सात पाताल थे, सात पातालों की चर्चा, सात पातालों की तुलना आपके शरीर के विभिन्न अंगों से की गई है। सर एक बार बीतल, बीतल का बता दीजिए। बीतल मतलब जानू, जानू में है, बीतल जानू में है, और उसको घुटना कहते हैं जानू को। हाँ जी, और सुतल, सुतल आपका जंघा में है, सुतल जंघा में। ये दिखाई नहीं दे रही है आपको? हाँ सर, मेरे को थोड़ा सा आज आईज में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। ओके, सुतल आपका जंघा में है, बीतल आपका जानू में है, और सर फिर उरु, उरु, उरु तो जंगा को कहते हैं ना, उरु और जंगा तो एक ही है ना सर, मैं भी अभी यही सर। सर वो मुझे इसीलिए वो सुतल पिंडली में सर, देखिए अभी पिंडली में होता है। हाँ यही सर, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया था ना, क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। सुतल सर पिंडली में होता है, शीतल पिंडली में होता है। यस सर, जी सर, और अतल होता है जंगा में सर, क्योंकि आपने उरु लिखा, उरु का मतलब भी तो जंगा ही होता है ना। एक मिनट में स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ सुतल पिंडली में, सॉरी सुतल का है पिंडली में, इसको जंगा ना लिख कर पिंडली लिखी है। पिंडली मतलब जो आपकी काफ मसल्स है। एक बार ना, एक बार महातल भी बता दीजिए, महातल भी देख के बता दीजिए, क्योंकि जहां मैंने लिखा हुआ मतलब पैर के ऊपरी भाग में, इसमें आप पैर के पृष्ठ भाग में आपने जो लिखा है, आप इसको भी बुक से कहीं से क्लियर कर दी। यस यस, मैं बुक साथ में लिया हुआ हूं। महातल बता दीजिए एक बार। महातल आपके पैर के ऊपरी भाग में। हाँ जी हाँ जी, इसी इसीलिए क्योंकि ये आपने पृष्ठ भाग में लिखा है ना। ओके, एक मिनट, आपको पाद पृष्ठ है। देखिए इसमें जो ये चीज यहाँ पर जो आपके श्लोक में है ना, वो लिखा है महातल पाद पृष्ठ, तो आपको पाद पृष्ठ में ही रखना है। ये व्याख्या में गलत दिया हुआ है,
तो महातले पाद महातलम पाद पृष्ठे वो आपको पृष्ठ में ही रख है ना उसको वो कुछ मत होइए बेतल जान वो अब बेतल का देखिए बेतल आपका जंगा में है हाँ जी बेतल जान वो मतलब जानू घुटने में और अतल उर्वो 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 दिया हुआ है तो उर्वो भी लिखना है ना ये संस्कृत में से लिया गया है और इसकी व्याख्या थोड़ी डिफरेंट दी गई है यहाँ पे ठीक है अब आपको समझ में आ गया यस सर यस सर कंफ्यूजन नहीं पालना है देखिए मैं एक बार और आपको जो उरु मींस क्या उरु जंगा जंगा और ऊपर उर्वो लिखा हुआ है उर्वो उर्वो लिखा हुआ है उर्व समझ में आ गया ना सुतल यस सर यस सर सुतल सुतल को बोला है यहाँ पे सुतल जंघायम सुतल तो आपके जंघा में है वो सही है लेकिन अतल को उर्व बोला है उर्व मतलब पिंडली भी लिख सकते हैं आप उर्व अतल को आप उर्व लिख सकते हैं और उर्व को आप पिंड हाँ सर ऐसे नहीं है ये ऐसे है सूतल तो पिंडली में है और अतल जंगा में है चलिए इसको हम स्पष्ट कर देंगे अभी इस पर डिस्कस नहीं करते नहीं तो रिकॉर्डिंग बुक है तो मैं उसमें देखती हूँ सिर्फ सिद्धांत पद्धति की उसमें बाद में देख लेंगे ओके सर बाद में देख लेंगे चलिए आगे बढ़ते है ना इसमें इसको आप ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीजें लेकिन कुछ को बाद में देख लेंगे कल डिस्कस कर देंगे प्रत्येक मनुष्य में 64 कलायुक्त 64 वर्ण विद्वान है ठीक है तो इसमें सिर्फ चार वर्णों की चर्चा की गई है 60 वर्ण नहीं बताए तो पहला है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण दूसरा क्षत्रिय तीसरा वैश्य और शूद्र और उनका काम क्या क्या है वो काम क्या क्या करते हैं तो ब्राह्मण का काम है सदाचार पालन और क्षत्रिय का काम शौर्य और वैश्य जो है वो व्यवसाय करता है व्यापार और सूत्र सेवा भाव करता है तो इनको आपको याद रखना है ये आपको सही मिलान में भी पूछे जा सकते हैं है ना 64 वर्णों की चर्चा में सिर्फ 64 की चर्चा ना करके चार ही वर्णों की यहाँ पर चर्चा की गई है ठीक चार वर्ण जो है ये यहाँ पर भी उनके काम लिखे हुए हैं ठीक क्षत्रिय वीरता वैश्य बाड़च व्यापार और सूत्र जो है वो सेवा कार्य में निरत रहते हैं ठीक अब आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है सात द्वीप वर्तमान में 7 द्वीप है विभिन्न विभिन्न स्थित शरीर में ही है जो 7 द्वीप है जैसे जम्बू द्वीप साक द्वीप आगे हम पढ़ेंगे तो वो आपके शरीर में ही स्थित है वो कहाँ कहाँ पर है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है तो क्या है कि जम्बू द्वीप कहाँ है वो शरीर में आपके मज्जा मज्जा जो आपकी बोन मैरो रहती है उसमें स्थित है आपका जम्बू द्वीप है ना और साक द्वीप आपकी अस्थि बोन में ये चर्चा ये बोन अस्थि बोन मैरो ये ऐसी चर्चा वहां पे नहीं है ये समझने की दृष्टि से बता रहा हूँ मज्जा मतलब बोन मैरो आपको समझ में आ जाए जम्बूद्वीप मज्जा में है साक द्वीप अस्थि में है सूक्ष्म द्वीप आपकी सिरा सिरा मतलब बेंस है ना बेंस में है कोच द्वीप त्वचा स्किन में है और गोमय द्वीप आपके रोम केस में है श्वेत द्वीप आपके नाखून में है और लक्ष द्वीप आपके मांस में है ठीक है यहाँ पर श्लोक भी लिखा हुआ है ठीक है इससे भी आप स्पष्ट कर सकते हैं तो ये आपको 7 द्वीप भी स्पष्ट होना चाहिए जम्बू द्वीप मज्जा देखिए मज्जायाम जम्बू द्वीप हस्तेषु साक द्वीप सिरासु सूक्ष्म द्वीप द्वीप त्वचसु कोच द्वीप मतलब और रोमसु गोमय द्वीप नखेसु श्वेत द्वीप मास लक्ष द्वीप सप्त द्वीप एवं सप्त द्वीप ये 7 द्वीप विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में विराजमान है ठीक है आगे आते 7 समुद्र 7 समुद्र तो 7 समुद्र क्या क्या है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है 7 समुद्र शरीर में 7 प्रकार 7 समुद्र शरीर में 7 प्रकार कहाँ कहाँ पर है तो आपका जो समुद्र शरीर में स्थान कहाँ कहाँ पर क्षार है क्षार क्षार चीर दधी घृत समुद्र मधु समुद्र है ना और इक्षु समुद्र और अमृत तो ये चीजें कहाँ कहाँ पर विराजमान है इसको स्पष्ट करना है ठीक तो देखिए जो आपका क्षार क्षार क्या है क्षार समुद्र कहाँ है मूत्र मूत्र में होता है ठीक है और आपका ये
चीर चीर मतलब दूध, ये होता है लार में, ठीक है, शरीर में लार में दूध समुद्र, चीर समुद्र है। और दधि, दधि कफ, कफ में होता है, ठीक है। घृत समुद्र आपके मेद में है, मेद। और मधु समुद्र आपके भाषा में है, एडिपोस। और यक्षु समुद्र, इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं, कौन सा समुद्र? इच्छु है ना, इच्छु, इच्छु समुद्र रक्त में है, और अमृत जो है वो आपके शुक्र में है, ठीक है। तो समुद्र हो गए सात, और शरीर में उनकी स्थिति हो गई इस जगह, चार मूत्र में, चीर लार में, दधि कप में, घृत मेद में, मधु वसा में, इच्छु रक्त में, और अमृत में शुक्र। इस प्रकार से ये भी आपको याद हो जाना चाहिए कि किस जगह में कौन कौन सा। क्षार तो आपको पता ही है, क्षार एक होता है अम्लीय और क्षारीय, तो मूत्र जो है वो क्षारीय है, तो क्षार समुद्र हो गया। क्षीर, क्षीर मतलब दूध एक प्रकार सा, तो ये लार में आपका दूध हो गया, है ना। बच्चे, बच्चे जो है दूध पर डिपेंड रहते हैं, तो बच्चों की लार भी निकलती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि क्षीर में जो है वो लार में, क्षीर समुद्र लार में होता है। और दधि कफ, जिसको कफ बनता है, तो वो जिसका कफ निकलता है ना, थोड़ा उस प्रकार से लीजिएगा, वो दधि के समान, दही के समान उसके बने रहते हैं गोल गोल से, तो दधि कफ में हो गया। घृत मेद में हो गया, है ना, मेद एक प्रकार की धातु है। और मधु आपकी भाषा में, और इच्छु रक्त में, और अमृत में शुक्र, अमृत में शुक्र, शुक्र आपका एक प्रकार से बॉडी का अमृत है, तो वो आप अमृत में सुख। और ये जो बीच के हैं तीन, इनको आप रट लीजिएगा, तो ये समझ लिए, इनको रट लीजिएगा, ठीक है, समझ में आई है, सात समुद्र और उनकी स्थिति शरीर में, ठीक है। अब आते हैं आठ पर्वत, समझ में आ गया? हेलो, यस सर, यस सर। मुझे बीच बीच में थोड़ा कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि देख नहीं पाता। हाँ, तो अब नौ खंड भी यहीं पर है, नौ खंड, नौ खंड के नौ द्वार में रहते हैं, नौ खंड जो है नौ द्वार में रहते हैं। सिर्फ नौ खंड की चर्चा की गई है यहाँ पर, नौ द्वार कहाँ कहाँ पर है वो चर्चा नहीं की गई। वैसे नौ द्वार तो आपका मुंह है, नाक है, कान है, गुदा है, उपस्थ है, तो वो नौ द्वार है, लेकिन इनकी स्थान नहीं बताया गया कौन सा द्वार कहाँ पर स्थित है। तो भारत खंड, करपर खंड, काश्मीर खंड, श्रीखंड, संघ, एकपाद, गांधार, कैवर्त और महामेरु खंड, तो ये खंड है, इसमें भी शायद ये चर्चा की है। भारत खंड, कूर्पर खंड, काश्मीर, श्रीखंड, संघ, एकपाद, गांधार, कैवर्त और महामेरु खंड, ठीक। तो अब आते हैं आठ पर्वत, समझ में आए? ये देखिए, यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, नवखंडा नव द्वारेषु वसति, तो ऐसे ही आपको लिखा हुआ आ जाए, ऐसा का ऐसा लिखा आ जाएगा, और पूछ लिया जाए जाए कि ये जो है किससे संबंधित है या किसमें दिया गया है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपके एसएसपी ग्रंथ से है। एसएसपी मतलब सिद्ध सिद्धांत पद्धति से लिया गया, कौन से अध्याय से लिया गया है तो वो भी पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि एग्जामिनर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहा है और वो कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको हर प्रकार की दृष्टि से अपने आप को तैयार रखना है, ठीक। अब आते हैं आठ पर्वत, आठ पर्वत क्या है, शरीर में स्थिर कहाँ है, तो मेरु, मेरु से मेरुदंड, मेरुदंड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, और कैलाश ब्रह्म कपाट में है, ब्रह्म कपाट में, हिमालय पीठ में है, हिमालय पीठ में, देखिए मेरुदंड में तो मेरु हो गया लेकिन हिमालय पीठ में हो गया। मलय पर्वत जो है बाया कंधा, मंदर दाया कंधा, मलय मंदर, मलय मंदर है आप याद रखेंगे, तो बाया पहले मलय, बाया कंधा, फिर दाया कंधा मंदर, फिर विंध्याचल दान, विंध्याचल मैनक, दाया कान और मैनक आपका बाया कान, तो इसको दो दो याद करिए, मलय मंदर, विंध्याचल मैनक, तो विंध्याचल आपका दाया कान में और मैनक आपका बाया कान, और श्री आपका ललाट, है ना, श्री आपका ललाट में, तो इसको आप श्री तो आप ऐसे याद रखते रख सकते हैं, श्री तो ललाट में ही है, ठीक। तो ये पर्वत समझ में आए, पर्वत और शरीर में स्थल, ठीक है, आगे बढ़े। और यस सर, यस सर, मेरु पर्वत जो है ना,
मेरु पर्वत को सुमेरु भी कहते हैं, आपके अगर सुमेरु लिखा हुआ आ जाए तो आपको वो नहीं बोलना है। और ये श्री पर्वत को श्री शैल भी कहते हैं जो ललाट में है, ठीक है। और ये बायां कान को जैसे वामकरण दक्षिणकरण, इसलिए इसमें आपको ऐसे ऐसा भी दिया है। देखिए श्री श्री पर्वत को श्री शैल पर्वत और मैनक जो है वो वामकरण में होता है। वामकरण मतलब बायां कान और विंध्याचल दायां कर्ण, तो स्पष्ट होना चाहिए। दक्षिण स्कंद यानी दाहिना कंधा, मलय और आपका बायां कंधा, तो इस प्रकार से स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। नौ नदियां, नौ नदियों के स्थान कहाँ कहाँ पर है तो वो चर्चा। प्रमुख नौ नदियां नौ नाड़ियों में बहती है, नौ नदियां जो है वो नौ नाड़ियों में बहती है। अन्य छोटी नदियां 72,000 नाड़ियों में बहती है, तो जो प्रमुख नदियां हैं वो नौ नाड़ियों में बहती है। अब वो नौ नाड़ियां कौन सी है वो भी यहाँ पर डिफाइन नहीं की गई कि ये नाड़ियां हैं, है ना। तो ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई कि वो नौ नाड़ियां नौ नदियां कौन कौन सी नाड़ियों में है। जैसे पीनस है तो पीनस पीनस कोई नदी नाड़ी होगी तो उसमें बहते गंगा यमुना चंद्रवाक सरस्वती विपाशा सतरूपा श्री राधि नर्मदा। तो ये चंद्रा चंद्रभाग ये चंद्रमा बहती होगी, सरस्वती मुख में बहती होगी, है ना, यमुना आपके दाहिने स्वर में बहती होगी, गंगा बाएं में बहती होगी। तो ऐसे आपको ये नौ नाड़ियों में नौ नदियां बहती है। तो पीनस गंगा यमुना चंद्रभाग सरस्वती विपाशा सतरूपा श्री राधि और नर्मदा, इनके कोई स्थान नहीं बताया, नहीं तो यहाँ पे स्थान भी दिए होते, है ना। तो नौ नदियां नौ नाड़ियों में बहती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। और इसमें कुल 27 नक्षत्र 12 राशियां और 9 नवग्रह और 12 तिथियों की इसमें चर्चा की गई है। और ऊपर में कुछ छुट्टी है उसको भी देखते हैं। 21 ब्रह्मांड की भी चर्चा की गई है। 21 ब्रह्मांड में क्या क्या है ये आपने पढ़ा ना, भूलोक भू भूगा स्वा मय जन तपा सत्यम, ये 7 लोक 14 लोक होगा इसमें, 14 लोक है। विष्णु लोक रुद्र लोक ईश्वर लोक सदाशिव नीलकंठ लोक शिव लोक भैरव लोक, है ना। महाशक्ति अनादि कुल अकुलेश लोक परब्रह्म परापर लोक और शक्ति लोक इत्यादि, ये 21 लोक ही बता दिए, लेकिन ये 7 जो है वो पाताल है। ये 7 पाताल है, ये भूलोक भूभास्वा मय जना तपा सत्य, ये 7 पाताल है। और इससे 7 से जो 8वां है ये लोक है, विष्णु लोक रुद्र लोक ईश्वर लोक। समझ में आया, मैंने जो आपको पहले बताया था कि इसमें 7 लोक है और 14 लोक है और 7 पाताल है, यहाँ पे बताया था 7 पाताल और 14 लोक 21 ब्रह्मांड, ठीक है। समझ में आया, तो आपको पता भी होना चाहिए कि 21 ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं। 7 लोक उनको यहाँ पर ये मैं जना तपा सत्यम ऐसे भी बता सकते हैं, पर ऐसी चर्चा नहीं की गई है, समझने की दृष्टि से मैंने आपको बताया, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है, कहाँ है? यस सर, आ रही है। समझ में आई ये चीजें कि ज्यादा फास्ट हो गया? नहीं सर, समझ में आ गई। तो ये ब्रह्मांड ब्रह्मणों की संख्या समझ में आई 21, इसको आप देख सकते हो, है ना। चलिए अब आगे क्या चीज। नौ खंड आते हैं, 8 पर्वत बता दिए, 9 नदियां भी आपको बता दी, अन्य चर्चा भी बता दी। तो ये यही तक थी, है ना। ये 27 नक्षत्र 12 राशियां नवग्रह 15 तिथियां और कोठरी नाड़ियां, 72,000 जो नाड़ियां हैं उनको कोठरी नाड़ियां शब्द यूज किया गया है यहाँ पर, कोठारी नाड़ियां। तो यहाँ पर और जो है वो बताई गई है कि ये 27 नक्षत्र क्या है, 27 नक्षत्रों के नाम यहाँ पर बताए हैं। तो अश्विनी भरणी कृतिका, एक बार बस आपको पढ़ लेना है और अगर आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं 12 राशियों के नाम, नवग्रहों के नाम, 15 तिथियों के नाम, ये तो वैसे याद भी होंगे,
इनका थोड़ा 27 नक्षत्रों का होगा। तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगसरा, आत्रा, पुनर्वसु, पुष, आश्लेषा, मघा, पूर्वा भागनी, उत्तरा भागनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, धनिष्ठा, सतवसा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा एवं रेवती। 12 राशियों के नाम। 12 राशियों में आपका मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, धनु, मकर और कुंभ और मीन। ये राशियों का वर्णन आपके वशिष्ठ संहिता में भी किया गया है, तो वहां पर उनको चर, अचर और उभय राशि इसके उसमें डिवाइड भी किया गया, तो वहां से और यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिएगा। और नवग्रहों के नाम भी बताए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु। और 15 ग्रह, 15 तिथियां जो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सब आपको याद है। ये अमावस्या, कृष्ण पक्ष और एवं पूर्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो ये आपकी चीजें थी। इसमें आपने देखा नवग्रह है ना, 27 नक्षत्र, 9 खंड, 9 नदियां, 21 ब्रह्मांड और 7 समुद्र, 7 द्वीप है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे अभी तक यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आगे बनने की संभावना पूरी है, क्योंकि लेवल बढ़ा रहा है एकदम ना, तो आगे का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर। अभी कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।